दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी मूवी रिएक्टर पर। दोस्तों आज की मूवी कहानी हॉरर थ्रिलर होने वाली। इस मूवी का नाम है द साइलेंस। मूवी की शुरुआत में हम दो कर्मचारियों को देखते हैं जो एक टनल में काम कर रहे होते हैं। ये धरती से 1000 फीट नीचे होते हैं। तभी इन दोनों कर्मचारियों को एक केव मिलती है जो हजारों सालों से बंद होती है। इसे देख करके ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि इस केव से बहुत सारे जीव निकलने लगते हैं। ये बैट्स की तरह दिखाई देते हैं और इन कर्मचारियों को मार देते हैं। इसके बाद ये उस टनल से बाहर आ जाते हैं और धरती पर फैलने लगते हैं। उसके बाद हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सुन नहीं सकती है। इसके बाद एली अपने घर आ जाती है जहाँ हम इसके परिवार से मिलते हैं। इसके परिवार में इसके पेरेंट्स और इसका छोटा भाई जूड होता है, साथ ही इसकी दादी माँ होती हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब इन्हें न्यूज़ चैनल के जरिए पता चलता है कि धरती पर बहुत ही ज़्यादा अजीब क्रिएचर्स आ गए हैं और ये क्रिएचर्स लोगों को मारकर खाने लगे हैं। साथ ही न्यूज़ चैनल पर इन क्रिएचर्स से सर्वाइव करने का तरीका भी बताया जा रहा होता है, जहाँ बताते हैं कि अगर जितना आप शांत रहेंगे तो ये क्रिएचर्स आप पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये आवाज़ होने पर ही अटैक करते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर्स देख नहीं सकते। इसके बाद एली अपने पिता ह्यू से कहती है, हमारा शहर तो बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है, इसलिए हम यहाँ पर रह ही नहीं सकते। ये क्रिएचर्स हमें कभी भी मार सकते हैं, इसलिए हमें कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। तभी हम देखते हैं कि ह्यू का फ्रेंड गिलन आ जाता है और इन सब को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक सुरक्षित जगह जानता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब जरूरी सामान ले लेते हैं जिससे कि ये आगे के सफर में काम आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि गिलन के पास कंस भी हैं। इसके बाद ये लोग कार से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। जब ये लोग शहर से बाहर होते हैं तब इन्हें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि हर कोई शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब गिलन कहता है कि ऐसे तो हम कभी उस जगह पर पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए गिलन इन सब को अपने जंगल के रास्ते से ले जाने का फैसला करता है। जब ये जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तभी गिलन की गाड़ी के आगे से कुछ हिरन निकल के भागते हैं, जिन्हें बचाने के चक्कर में गिलन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गिलन गाड़ी के नीचे दब जाता है। तब ह्यू उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करता है। इस पर गिलन कहता है, तुम अपने परिवार को लेकर के आगे जाओ, क्योंकि जल्दी यहाँ पर भी वो क्रीचर्स आ जाएंगे। इस पर ह्यू अपने परिवार को सुरक्षित ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसका डॉग तेज़ी से भौंकना शुरू कर देता है, जिससे कि वो क्रिएचर्स उस गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं। अब ये लोग यहाँ फंस चुके होते हैं। तब ह्यू अपने परिवार को बचाने के लिए उस डॉग को अपनी गाड़ी से बाहर उतार देता है। इससे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है और इस पर एली बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि एली को अपना डॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। यू और उसका परिवार खुश होता है क्योंकि इन्हें साइन लैंग्वेज आती है, जिससे कि ये बिना बोले भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि गिलन इन्हें बचाने के लिए अपनी बंदूक को चलाने लगता है, जिससे कि ये सारे क्रिएचर गिलन के पास पहुंच जाते हैं और गिलन को मार देते हैं। इसी बीच में ह्यू अपने परिवार के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ह्यू अपने परिवार को लेकर के एक पुराने घर तक पहुँच जाता है, जहाँ जाते ही उस घर की मालिक एक औरत होती है जो इन पर बंदूक से हमला करने लगती है। बंदूक की आवाज सुनते ही वो क्रिएचर्स उस लेडी को मार देते हैं। इसके बाद ह्यू उस घर में जाने के लिए एक गार्बेज टनल को देखता है, जिसके जरिए ह्यू पहले चेक करने के लिए चला जाता है कि घर में कोई है या नहीं। घर में कोई नहीं होता है। इसके बाद ह्यू अपने परिवार को भी टनल से आने के लिए कहता है। जब ये सब इस टनल से गुजर रहे होते हैं तभी जूड और कैली को टनल के बीच में एक जहरीला सांप दिखाई देता है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते। सांप पुकारने लगता है, यानी कि सांप की आवाज को सुनते ही एक क्रिएचर आता है और सांप को मार देता है। पीछे टनल में कैली की माँ कैली होती है, जिस पर की ये क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और उसके पैर को काटने लगते हैं। तभी ह्यू घर के पास में खड़ी एक मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी आवाज़ को सुनते ही वो सारे के सारे क्रिएचर्स उस मशीन के अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद ये सब लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। अब कैली को उस क्रिएचर ने काट लिया होता है, इसीलिए उसके पैर पर इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे कि एली कहती है कि हमें इससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, यानी कि दवाई लानी होगी। इसके बाद एली और ह्यू दवाई लेने के लिए शहर पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि अब शहर पूरी तरह से सुनसान है, वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। इसके बाद ये दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहां बहुत सारे लाशें पड़ी हुई होती हैं। तब एली एक लाश में बहुत सारे अंडे देखती है जो इन क्रीचर्स के होते हैं। तब एली समझ जाती है ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। तभी वो क्रीचर्स वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद एली और ह्यू शांति से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग बाहर होते हैं तब इन्हें एक आदमी दिखता है जो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहते हैं।
देता है, लेकिन यू मना कर देता है और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस आदमी की जीभ कटी हुई और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। इसके बाद यू और एली अपने घर पहुँच जाते हैं और केली को एंटीबायोटिक दे देते हैं जिससे कि वो ठीक होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली अपने दोस्त रॉब से बात कर रही होती है जो कि शहर में रहता है, जो बता रहा होता है कि उसके अब माता पिता नहीं है क्योंकि इन क्रीचर ने उन्हें मार दिया होता है। वो अकेला ही सर्वाइव करके बच पाया होता है। अब वो उत्तर की ओर जा रहा होता है क्योंकि उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ है और वहाँ पर मौसम ठंडा है क्योंकि ये क्रीचर्स ठंडे मौसम में सर्वाइव नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं वो आदमी जो इन्हें शहर में मिला था वो फिर से इनके घर पर आ जाता है और इन्हें फिर से अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है क्योंकि असल में ये इन्हें शामिल नहीं करना चाहता, ये सिर्फ एली को ही अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है क्योंकि एली खास है और वो सुन भी नहीं सकती है। असल में ये आदमी इस ग्रुप पर राज करना चाहता है और इनसे अपना काम करवाना चाहता है, लेकिन यू फिर से मना कर देता है और इन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब यू घर में से गन को लेकर के आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात में एक छोटी सी बच्ची घर के दरवाजे पर आती है जिसे यू अंदर बुला लेता है क्योंकि वो बच्ची अकेली होती है। तब हम देखते हैं कि इस बच्ची की जीभ कटी हुई है क्योंकि ये भी उसी ग्रुप की मेंबर होती है और इसे उसी आदमी ने भेजा हुआ होता है। इस बच्ची के शरीर पर बहुत सारे फोन लगे हुए होते हैं, ये सारे फोन एक साथ बजने लगते हैं जिससे कि काफी ज्यादा शोर होता है और ये क्रीचर्स इनके घर पर भी हमला करने लगते हैं। यू और एली जल्दी से इन सारे फोन्स को पानी में डाल देती है जिससे कि सारे फोन्स बंद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस ग्रुप के दो मेंबर एली को ले जाने लगते हैं। तभी एली की दादी इन्हें देख लेती है और इन दोनों मेंबर्स को पकड़कर नीचे गिरा लेती है और एली की दादी बहुत तेजी से चीखने लगती है जिससे कि आवाज़ सुनकर के क्रीचर्स इन पर हमला कर देते हैं जिससे कि एली की दादी भी मारी जाती है, लेकिन एली बच जाती है। इससे ये सब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस ग्रुप का जो मेन बॉस था वो एली को पकड़ करके ले जाने लगता है। इस पर एली के डैड यानी कि यू उस आदमी को भी मार देते हैं। इसके बाद यू अपनी फैमिली को लेकर के उत्तर की दिशा में जाने लगता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ होती है। अब हम देखते हैं कि यू वहां पर पहुंच चुका है और रहने भी लगा है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एली का दोस्त रॉब भी यहीं पर होता है और ये दोनों अब इन क्रीचर्स को मारना सीख चुके होते हैं और ये धनुष और तीर के मदद से इन क्रीचर्स को मार रहे होते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।